व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आखिर देखते ही देखते दूसरा दिन भी आप लोग का सिमट गया। पहला दिन कैसा रहा और अब ये दूसरा दिन कैसा रहा, ये आप लोगों को बताना है। कैसा आप लोगों ने इसको एंजॉय किया? क्या जिस तरीके से आप लोगों ने मॉर्निंग में डिसाइड किया था बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, या फिर कोई कमियां या खामियां रह गई, या फिर जितना डिसाइड किया था उससे भी अच्छे तरीके से एंजॉय किया, तो किस कैटेगरी में आप लोग आते हैं? यानी कि आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि आप लोगों का दिन कैसा रहा। देखिए मॉर्निंग में आप लोग कोशिश किया करो कि आप लोगों का दिन कैसा रहे, उसको एक बार डिसाइड किया करो। और वीडियो के नीचे भी आप लोग आकर लिख सकते हैं कि इस तरीके से आप लोगों को दिन को यूटिलाइज करना है। और अगले जो यहाँ पर जो लास्ट जो वीडियो आती है आप लोग यहाँ पर शाम को, यानी कि जब यहाँ पर मॉर्निंग में हिंदू के बाद में जब शाम को नैन आती है, उसके नीचे आप लोग लिखा करो कि कैसा रहा आप लोग का ये दिन और कैसे आप लोगों ने यूटिलाइज किया। प्रैक्टिस करके देखो, लगभग 21 दिनों तक आप लोगों को काफी सारी चीजें अच्छी लगेंगी और आप लोगों की आदत भी जो है आप लोगों को चेंज होती है नजर आएगी। अच्छा, आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, किस किस ने सुना है जरूर बताएगा। इसको बोलते हैं कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है आप लोगों ने सुना होगा, पर लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जिद के आगे जीत है। यानी कि अगर आप लोग लाइफ में जिद्दी हैं तो आपको लोगों को जीत हमेशा मिलेगी, अगर आप लोग अपने करियर को लेकर जिद्दी हैं तो। जिद के आगे जीत है, यानी कि डर के आगे जीत नहीं, जिद के आगे जीत है। तो आप लोग इसको देखो एक मिनट, अगर आप लोगों ने लाइफ में किसी चीज को पाने की एक बार जिद कर ली तो फिर वो चीज आप लोगों के पास में आएगी आएगी, अगर आप लोग अपनी उस जिद पर टिके रहे तो। तो बोला गया कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीबों से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। अगर आप लोगों ने लाइफ में किसी चीज को पाने के लिए एक बार जिद पकड़ ली कि कुछ भी हो जाए यार ये चीजें नहीं छोड़नी है, तो जिंदगी जो है आप लोगों को वो सारी चीजें थाली में परोस के देगी, बस आप लोगों को जिद्दी बने रहना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना यार, जिद को छोड़ देते हैं। जब उनके सामने कोई दिक्कत आई तो छोड़कर बैठ जाएंगे, यार ये क्या हो गया जिंदगी में, यार मेरी जिंदगी में ही क्यों ये होता है, यार मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब मेरी जिंदगी आगे कैसे चलेगी। तो ये जो जिंदगी होती है अगर इसको आप लोग जिद्दी नहीं बनाओगे और अपनी जो चीजों को पाने के लिए अगर जिद्दी में एक हद अपार आप लोग करना नहीं जानोगे तो आप लोगों को वो मंजिल नहीं मिलेगी और उसको मिल जाएगी जिसने उसके लिए जिद की होगी। तो यानी कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि ना हौसला करने वाले को उतना ही मिलता है जितना हौसला करने वाले छोड़ देते हैं। तो जिंदगी में अगर आप लोगों ने किसी चीज को पाने का हौसला नहीं किया, जिद नहीं की, तो फिर आप लोगों को वही बचेगा जिसने हौसला किया और जिद की जो जीत कर ले गया, बचा बचा बच्चा कुछ आप लोगों के लिए छोड़ गया, फिर करो उसको एंजॉय। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि जिंदगी कैसे जीनी है, कि बचे कुचे में जिंदगी जीनी है या रियलिटी में अपनी जिद या फिर अपने हिसाब से जिंदगी जीकर आप लोगों को आगे निकलना है। डिस्कशन काफी प्यारा रहेगा, टकटकी लगाकर देखिएगा वीडियो को एंड तक, बहुत कुछ शानदार आप लोगों को जानने को मिलेगा। थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे यहाँ पर लास्ट डे का, जिसके चलते आप लोगों को काफी सारे और भी यहाँ पर मतलब रिवीजन आप लोगों का देखिए नेक्स्ट डे हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग ये सारे अटेम्प्ट करोगे यहाँ पर तो काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए हमारे दिसंबर नहीं छूटे हैं अभी, ठीक है, जनवरी चल गई दिसंबर नहीं गया। चलिए कोई नहीं, एंजॉय किया कीजिए। कई बार नहीं आदतें रहती है, महीना चेंज हो जाता है, साल चेंज हो जाता है, ठीक है। एक तो मैंने पहले तो पीपीटी में मैंने कहा चेंज कर लो, देखो मैंने चेंज किया कि नहीं किया, मैंने कहा पता चला 2021 लिखा हुआ है। ये कई बार चीजें होती है, ठीक है, कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। आप लोग बोलोगे सर दो दिन पहले तो बढ़ाया था, वो कुछ और था, ये कुछ और है, ठीक है, ये कुछ और है, और जो कुछ और है वो देखकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना उनको आप लोग एग्जाम के लिए नहीं बस ओनली, उनको आप लोग रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, तो उस तरीके से उनको पढ़ा करो, क्योंकि यू आर ऑल्सो ए कंज्यूमर। कुछ भी आप लोग खरीद रहे हैं ऑनलाइन, कुछ बेच रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को भी पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में कि अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो कहां पर हम लोग को कंप्लेन करनी है, क्या क्या इसके लिए प्रोविजन है देश के अंदर में। इंडिया के अंदर रहते हो ना, देश के नागरिक हो ना, तो पता होना चाहिए आप लोगों को सारी चीजें। अगर कोई बाहर से देख रहा है पाकिस्तान या फिर यूएसए, तो यार सॉरी आप लोगों के लिए आर्टिकल नहीं है, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं आजकल बाहर से भी लेक्चर देख रहे हैं, मैंने देखा था। चलिए कोई नहीं, इंडियन आर्मी है उनके द्वारा सेटअप किया गया अभी यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी। तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते भी यहाँ पर चीजें आप लोगों को अच्छी प्रोडक्टिव होती नजर आएगी, तो इसके चलते यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी और इसी के साथ में सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये कहां पर इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए वैसे तो मैं सिटी पूछने वाला था, पर लेकिन आप लोग चलिए राज्य बता दीजिए, ठीक है, राज्य में चलिए आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है, बनाने दो पहले मुझे ऑप्शन, सोचने दो कौन सा सही रहेगा जिससे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कंफ्यूजन में आ जाओ, ठीक है, ऑप्शन बनाते हैं। चलिए पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सारे प्रदेश हैं, अब बताइए आंसर सही आंसर क्या है। अगर मैं एग्जामिनर होता ना, एग्जाम सेट किया करूंगा जब, मतलब ऐसा होना चाहिए कि बच्चा घूम जाए बिल्कुल, बस ये लगे कि हाँ पढ़ के आए, फिर भी पता चले कि पढ़ के इसमें दिक्कत ये कर दी है, ठीक है, बिल्कुल सीरियस हो गए पढ़ने वाला बच्चे क्लियर करे, ऐसा नहीं कि कोई मजे ले रहा है और वो क्लियर करके चला जाए। देखो मेहनत करने वाले को फल मिलना चाहिए, ठीक है।
तो मेहनत अगर कर रहे हो तो आप लोगों को फल जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल लाइफ में हमेशा अपने आप को जब भी कोई टॉपिक पढ़ा करो तो ये सोचा करो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगर ये इस तरीके से आप लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया तो ये समझ लेना आधी प्रॉब्लम आप लोगों की वैसे ही सोल्व होगी। और हमेशा कोशिश किया करो जब भी आप लोग मान लीजिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अपने क्वेश्चन पेपर की घर पर बैठकर या फिर लाइब्रेरी जहां पर भी आप लोग बैठते हैं, तो कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि एक तरीके से जैसे मान लीजिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी तो उस टाइम पर मैक्सिमम पेपर दो जिस टाइम पर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम हॉल के अंदर आप लोग बैठोगे आप लोगों की आधे से ज्यादा दिक्कतें सोल्व हो जाएंगी। ये आप लोगों की प्रैक्टिस जो माइंड होता है ना अगर उसको उस प्रैक्टिस में आप लोग डाल दोगे एक बार तो जिंदगी आधी आप लोगों की वैसे ही गुजर जाएगी मजे मजे में, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं रेडियो टैगिंग के बारे में। तो हमारी कंट्री में अभी जो पेंगोलिन है उसकी रेडियो टैगिंग की गई तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक पर्टिकुलर पार्क है यहाँ पर बेसिकली उड़ीसा के अंदर में, उसके बारे में आप लोगों को बताना है कहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिली तो समझेंगे पूरा टॉपिक क्या था आखिर। साहित्य अकेदमी अवार्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो हमारी कंट्री में हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट ये लिटरेरी अवार्ड है। अगर बात करें तो इससे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा एक और अवार्ड है जो कि पहले नंबर पर आते हैं, जैसे हम लोग बोलने लगे कि भारत रत्न पहले नंबर पर आ गया, पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर, पद्म भूषण जो है तीसरे नंबर पर, ठीक है, और पद्म श्री चौथे नंबर पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये यहां पर पहले नंबर पर है क्या वो बताना है, दूसरे नंबर पर है साहित्य अकेदमी अवार्ड ना। आर्टिकल बताना है कौन सा आर्टिकल यहाँ पर यूनियन जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो इस इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं साइज किसी भी स्टेट का, ऑल्टर कर सकते हैं उसकी बाउंड्री या फिर नेम को, तो कौन सा आर्टिकल है संविधान में जो ये पावर देता है, ठीक है। चलिए बताता हूं, आर्टिकल 1, 2, 3 या फिर 4 इनमें से कोई सा है बताइए कौन सा है, ठीक है। जीएसटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को बताना है संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था जब जीएसटी को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, ठीक है। एक और आर्टिकल है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करें और ये आप लोगों को पार्ट 4 में देखने को मिलेगा संविधान में। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं और इसी के बीच में से आर्टिकल है यहाँ पर, ये नंबर आर्टिकल बताना है कौन सा है जो यहाँ पर ये बोलता है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में अगर बात करें तो प्रोहिबिशन की जाती है कोई भी अगर मेडिसिनल पर्पज के लिए कोई ड्रिंक है, मैं एक तरीके से कि आज की डेट में अगर कोई भी किसी भी तरीके का नशीला पदार्थ करते हैं तो यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बनती है कि उसको ये करने से रोके प्रोहिबिट करे। तो ये यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक है वो इंसान को नहीं पीना चाहिए जो कि उसकी हेल्थ पर नुकसान बैठे, तो ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए कई सारे राज्य बिहार हो गया गुजरात हो गया इनको नॉर्मली ड्राई स्टेट आप लोग बोलते हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि ड्राई वो ऊपर ऊपर से दिखते हैं नीचे से पूरे गीले हैं क्योंकि ये सारी चीजें अंदर अंदर चलती रहती है, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ तो चेंज कर दिया यहाँ करना भूल गया, ओके। अल्कोहल जो है वो कहां पर आता है अगर आप लोगों से कोई पूछ ले याद रखेगा, शराब दारू वगैरह ये आप लोगों को स्टेट लिस्ट में देखने को मिलेगी, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, सेम पेट्रोल हो गया डीजल ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, अल्कोहल हो गई स्टेट लिस्ट में आते हैं। आप लोग कॉमन सेंस से भी इसको देख सकते हैं कैसे, जैसे ही अभी यहाँ पर रिसेंटली कोविड-19 जब यहाँ पर चल रहा था तो सब चीजें बंद हो गई थी, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा सबने दारू के ठेके खोले, क्यों, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को काफी सारे रेवेन्यू इससे मिलता है तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले दारू के ठेके खोले गए। तो ये बेसिकली इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं अच्छा स्टेट गवर्नमेंट दारू के ठेकों पर बड़ा फोकस दे रही है, तो भाई साहब संविधान वालों ने ना बनाने वालों ने तो दारू का ठेको जो है वो स्टेट लिस्ट में रखे होंगे। तो कॉमन सेंस अगर यूज करोगे आप लोग तो बहुत सारी चीजों के तो सॉल्यूशन वैसे ही निकल जाएंगे, तो हमेशा कॉमन सेंस को यूज किया करो अगर कोई भी ऐसी चीजें आती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आर्टिकल देखेंगे एक एक कर काफी सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, तो वही है कि अच्छे से टकटकी लगाकर सुनिएगा, जहां पर कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, उसको आगे आने वाले टाइम में देखेंगे फिर। चलिए सबसे पहले आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर किसी न किसी की होनी चाहिए, तो जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों के जो राइट होते हैं उसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। अभी हमारे देश में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हिंदी में बोलेंगे इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तो इसके तहत कुछ यहाँ पर चेंज किए गए केंद्रीय जो सरकार है उसके द्वारा। तो जो चेंज किया गया उसमें क्या बदलाव किया गया, तो बदलाव यहाँ पर ये किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो यहाँ पर अभी नोटिफाई किया गया, सबसे पहले तो यहाँ पर 3 लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दूसरा यहाँ पर स्टेट लेवल पर और तीसरा हो गया सेंट्रल लेवल पर। तो यहाँ पर तीनों के लिए जो रूल है उसमें आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो मेन नोटिफिकेशन इसमें जो चेंज किया गया, यहाँ पर ये किया गया धन संबंधी जो ज्यूरिडिक्शन होती है यानी कितना पैसा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर, और वो केस जो है वो किसके अंदर आएगा, सेंटर के अंदर आएगा, स्टेट के अंदर आएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आएगा, तो ये बताने के लिए रूल में यहाँ पर चेंज अभी किया गया है। तो ये जो है बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल मैंने अभी आप लोगों को बताए थे। अगर आज की डेट में जो ई कॉमर्स जो कंपनी है जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन सामान बेचते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये रूल लेकर आए गए थे कि किस तरीके से उनको चीजों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। पर लेकिन अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली जो धन संबंधी अगर मैटर है कि अगर 50 लाख तक का मैटर है तो वो किसके अंदर आएगा, 50 लाख से 2 करोड़ तक का मैटर है तो किसके अंदर आएगा, और 2 करोड़ से अगर ऊपर का मैटर है तो किसके अंदर आएगा,
इसमें चेंज किया गया है और यही पूरी न्यूज यहां पर कवर की गई है पीआईबीबी के द्वारा। और ये सारा जो सिस्टम आता है मिनिस्ट्री ऑफ जो यहां पर कंज्यूमर अफेयर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहां से बन जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर अगर 1 करोड़ से नीचे का केस था तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन दिखा करता था, पर लेकिन अब यहां पर 50 लाख से नीचे का केस दिखा करेगा, यानी कि लिमिट थोड़ी और डिक्रीज कर दी है कि अब यहां पर 50 लाख का भी अगर केस आप लोगों का जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर यहां पर आएगा, यानी 50 लाख से नीचे के केस जो है सारे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक का केस है तो वो स्टेट के अंदर आएगा, पहले यहां पर 1 करोड़ से 10 करोड़ के स्टेट के अंदर आते थे। अगर मोर देन 2 करोड़ का है यहां पर सेंट्रल जो नेशनल कमीशन के अंदर आएगा, पहले यहां पर 10 करोड़ से ऊपर के नेशनल कमीशन के अंदर आते थे। तो इसका मतलब यह हुआ है कि अब और ज्यादा ज्यूरिडिक्शन जो है वो सेंटर के हाथ में चलेगी और इसी के साथ में स्टेट के हाथ में, और डिस्ट्रिक्ट वाले लेवल पर यहां पर अब कम पैसों वाला मुद्दा रह गया, तो ये यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 उसमें यहां पर कोई चेंज लेकर आए गए, तो उसमें सबसे बड़ी तो बात यहां पर ये बोली है जो काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये प्रोडक्टिविटी लायबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए कल को आप लोग एक पंखा लेकर आते हैं, ठीक है, कोई फैन लेकर आप लोग मार्केट से लेकर आए और वो फैन लेकर आप लोग घर पे गए और घर पे गए आप लोगों ने उसको बिजली में लगाया और उसने करंट मारा, करंट मारने की वजह से किसी पर्टिकुलर इंसान को झटका लगा और झटका भी ऐसा लगा कि वो इंसान जो है हॉस्पिटल में पहुंच गया। तो यहां पर अगर कोई ऐसा पंखा किसी के द्वारा बेचा गया है तो यहां पर अगर उसकी वजह से किसी को इंजरी हो गई है तो वो यहां पर कंपनसेशन जो है वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, ये यहां पर इसके अंदर बोला गया है। यानी कि आप लोगों की प्रोडक्ट की लायबिलिटी जो है वो आप लोगों के ऊपर रहेगी कि आप लोगों ने प्रोडक्ट कैसा दिया है मार्केट के अंदर में, तो वो आप लोगों को उसका जो है हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर किया गया है। तो कोई ऐसी सर्विस होगी या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट हो गया जिसमें कोई आज के में कोई कमी देखने को मिलेगी, तो यहां पर पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको यहां पर बेसिकली इसको यहां पर इसके इसका कंपनसेशन भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और 3 टायर की मैकेनिज्म है यहां पर, अब यहां पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल पर आप लोगों को सारा सिस्टम देखने को मिलेगा। तो एक यहां पर ये ट्राई एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर 3 टायर क्वाजाई जुडिशियल मैकेनिज्म हो गई। क्वाजाई जुडिशियल क्या बोलते हैं, ऐसा बॉडी जिसमें यहां पर जुडिशरी और प्लस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसे क्वाजाई जुडिशियल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जुडिशरी भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसमें जज का भी काम करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे आईएएस ऑफिसर नहीं होता है, कई बार वो जज बन जाते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा संभालता ही है, तो एक तरीके से क्वाजाई जुडिशियल बॉडी आप लोग नॉर्मली इस तरीके की बॉडी को बोल देते हैं। ठीक है, कि दोनों काम कर रहे हैं यहां पर। अब यहां पर बात करें, अगर जो बात करते हैं तो फाइलिंग कंप्लेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, पहले यहां पर क्या था, आप लोग जाओगे वहां पर बेसिकली अपनी कंप्लेन फाइल करोगे, फिजिकली जाकर काम करोगे वहां पर। अब क्या है, यहां पर बात की जा रही है ई दाखिल पोर्टल के बारे में, याद रखिएगा, क्वेश्चन बना देंगे जरा सी देर में और घूम जाओगे आप लोग कि ई दाखिल जो है वो किसके रिलेटेड है, या फिर बोल देंगे कि यहां पर अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप लोगों को कंप्लेन दायर करनी है तो किससे आप लोग करेंगे, तो बोल देंगे ई दाखिल, बी दाखिल, सी दाखिल, डी दाखिल, या फिर कुछ और बना देंगे। ठीक है, तो कुछ भी यहां पर ऑप्शन दे दे तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिसको आप लोग याद रखते, तो ई दाखिल आप लोग इसका नाम याद रखेगा जिसमें आप लोग कंप्लेन अपनी दर्ज कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, याद रखिएगा जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो ध्यान से सुन लोगे तो फिर तो याद रह जाएगा, अगर आप लोग माइंड से चीजों को सुनोगे ध्यान रखकर तो कोई चीजें नहीं भूलते, आप लोग भूलते हमेशा वो चीजें जिसको आप लोग मजे मजे में ऊपर ऊपर से सुनकर निकल जाते हो, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई कंप्लेन ऐसी है जो कि यहां पर नॉर्मल कंप्लेन जा रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई कंप्लेन ऐसी है जिसमें अगर बात करें कि उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो तुरंत उसका जो निपटारा करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर। यानी कि मान लीजिए कोई कंप्लेन ऐसी है जिसमें किसी चीज के बारे में उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला पंखा, तो पंखे को लेकर जाएंगे, फिर उसका एनालाइज करेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, हाँ गड़बड़ थी या नहीं थी, तो अगर कोई पंखे वाला केस है तो उसको 5 महीने मिलेंगे कि हाँ आप लोगों को 5 महीने दिए जा रहे हैं उसको बेसिकली सही करने के लिए कि हाँ कुछ ऐसी दिक्कतें देखने को मिली। पर लेकिन अगर किसी में ऐसा नहीं है, कोई नॉर्मल आप लोगों ने कपड़े मंगाए, कपड़े बेसिकली सही नहीं है, फटे पुराने आ गए, आप लोगों ने पहने तुरंत उल्टे फेंक दिए कि भाई ले जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, उसमें तो आप लोगों ने टेस्टिंग करेंगे, भाई साहब इसका कौन सा तार कपड़े का कहां से जुड़ा हुआ था, पता चला वहां छोटी थी एक बड़ी थी, भाई साहब इसको पूरा टेस्ट करो, नापो इंची टेप लेकर, 5 महीने तो लगने चाहिए कम से कम इसमें, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, कपड़ा पसंद आया नहीं, फिट आया नहीं है, तो ले जाओ भाई वापसी उसको, तो ऐसे। पर लेकिन पंखे को तो टेस्ट करना पड़ेगा कि पंखे ने करंट मारा तो कौन सा वायर कहां से लगा हुआ था, क्या दिक्कत थी, पता चला यहां पर मोटर बनाने वाला दारू पी के बैठा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है, तो ये जरूरी है कि एक बैलेंस वे में चीजें आप लोगों के सामने नजर आए। तो ये है यहां पर, तो एक तो 3 महीने का टाइम पीरियड हो गया और एक 5 महीने का हो गया, तो बीइंग ए कस्टमर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल को अगर कोई आप लोग ऐसा प्रोडक्ट मंगाते हो तो इस टाइम ड्यूरेशन में वो चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है इसके अंदर, कि एक मीडिएशन के बारे में बात की जाती है। एक कोई पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, इसने ए ने
बी का सर फोड़ दिया, बी ने ए का सर फोड़ दिया, दोनों के सर फूट गए। अब दोनों के सर फूट गए, अब तो दो ए बोलेगा मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा, बोलेगा मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है दोनों कोर्ट में पहुंचो। अब वकील जो है अच्छा खासा पैसा आप लोगों का बेसिकली एक अपनी जेब गर्म करेगा, और फिर दोनों को बेसिकली सॉल्यूशन क्या होगा, एक कुछ ऐसा जो भी निकलेगा कोर्ट के द्वारा वो दोनों के हाथ में थमा दिया जाएगा। पर लेकिन अगर ये दोनों जो है आपस में सहमति के साथ में ही काम कर ले, भारी आगे ऐसा नहीं कि यहां पर कोर्ट में जाकर काम करें, तो एक तरीके से मीडिएशन के पाथ पर भी चलने की बात की जा रही है। तो इसके चलते टाइम भी बचेगा, पैसा बचेगा, और जो दुनिया भर के केस पड़े हुए हैं कोर्ट के ऊपर वो भी बचेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाला मुद्दा होगा। तो ये कुछ अच्छे अच्छे चेंज यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी फायदा होगा और उधर से यहाँ पर उनको भी फायदा होगा, यहाँ पर जहां पर केस लेकर जाओगे वरना वहां पर पेंडिंग पड़े रहते हैं दुनिया भर के केस। तो इस तरीके से आपस में ही चीजों को निपटा लेना चाहिए। उन्हें कहते हैं दो दोस्त या फिर एक तरीके से कोई भी किसी के साथ में आप लोग जो रिलेशन है उसके साथ में मैटर अपने आप ही निपटा लेना चाहिए। और अगर बाहर जा रहा है मैटर तो इसका मतलब आप लोग एक दूसरे को समझते ही नहीं हो। तो हमेशा मैटर एक दायरे के अंदर ही आप लोगों का निपट जाना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा ये एक चार्ट है आप लोगों के सामने जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009, तो ये दोनों मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर SLVpedia वाले चैनल पर जुड़े हो तो मैंने यहाँ पर भी इसको शेयर कर दिया था। देखिए एक नया चैनल यहाँ पर इसीलिए बनाया है जो भी मुझे इंपॉर्टेंट नोट्स लगा करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर शेयर कर दिया करूंगा। अभी तो मैं आप लोगों की मंथली जो वीडियो थी उसके चक्कर में था, थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिला तो उसको बनाने में मैं लगा हुआ था। तो वो वीडियो जो है वो कल आप लोगों को 11 बजे मिल जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पर आज वो अपलोड नहीं कर पाया। बाकी यहाँ पर जो भी मैंने चीजें शेयर की हैं, कई सारी चीजें यहाँ पर शेयर की हैं, तो आप लोग इनको जरूर देखेगा, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस भी है कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से कौन से पार्ट में आ रहे हैं, तो काफी सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को यहाँ पर चीजें आगे आती हुई नजर आएंगी। तो तीन चैनल अभी आप लोगों के पास में यहाँ पर PDF सारी और इसी के साथ में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पर आप लोगों की कंप्लीट जो दिसंबर की PDF हिंदू की और जनवरी की जो बेसिकली सॉरी नैनो की भी दोनों PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए। तो एक तो इनको आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक हो गया आप लोगों का आंसर राइटिंग वाला ग्रुप जो कि वीर तालियान वाला, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को बताइए जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं। अगर यहां से भी आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं यहां से, ठीक है। एक ये वाला ग्रुप हो गया जहां पर डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं। आज मैंने यहां पर क्या पोस्ट किया था आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी किया होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है जिसपे आप लोग क्वेश्चन पोस्ट करने होते हैं और एक दूसरे क्वेश्चन एनालाइज भी आप लोग कर सकते हैं। तो एक ये हो गया, तो तीन ग्रुप है टोटल मिलाकर, सारे सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, जहां पर जो जो चीजें मिलनी चाहिए वो चीजें वहीं पर ही मिलेंगी, इसलिए आप लोग इनको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये तो ग्रुप ऐसा बना दिया मैंने ताकि अगर आप लोग कभी इधर उधर भी बैठे हुए हो अपना बैठकर फटाफट स्क्रॉल कर फटाफट देख लो क्या क्या चीजें हैं। तो कोशिश करूंगा कि जो भी नैनो के अंदर भी जो पढ़ाया जा रहा है उसके भी नोट्स वगैरह यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराता चलूं कि चलता फिरता विकिपीडिया आप लोगों का हो जाएगा। जब मन करा एक बार स्क्रॉल कर लिया खोलकर जरा सी देर में, और डेली एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया करूंगा यहाँ पर जो कि आप लोगों को डेली सी सेट में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो कल भी पोस्ट किया था मैंने, आज भी पोस्ट किया था, तो इससे आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन वाला एरिया भी बढ़ेगा और नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। वही पोस्ट किया करूंगा ज्यादातर जो पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड में ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो ये एक काफी सारे बच्चों के द्वारा बोला गया था, दो दिन में यहाँ पर इतने सारे बच्चे जुड़ गए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लगभग 7,000 से भी ऊपर हो जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं जुड़ेंगे भी नहीं जुड़ेंगे, पर आप लोगों को तो जरूरत थी इसकी यार, बता देते अगर ऐसी बात थी तो पहले बना देता मैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, तो अच्छे से एंजॉय करो इनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने बता दी यहाँ पर कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का क्या था, कि किस तरीके से रेगुलेटर काम करेगा, कंज्यूमर कोर्ट होगा, इसी के साथ में प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होगी, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर कितने पैसे की कौन कौन सी यहाँ पर लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि ये थोड़ा अभी चेंज हो गया है, जो सा मैंने बताया ना यहाँ पर, तो पहले पुराने वाला यहाँ पर दे रखा है, अभी नए वाला एडिशन इस पॉइंट में यहाँ पर हुआ है, पहले क्या था और अब यहाँ पर चेंज कर दिया गया। इससे पहले तो कुछ और ही था, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 20 लाख तक के थे, स्टेट में 20 से 1 करोड़ तक के, और नेशनल लेवल पर 1 करोड़ से ऊपर के, ठीक है। अब यहाँ पर नेशनल लेवल पर ये आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, इसको भी चेंज कर 2 करोड़ कर दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ई कॉमर्स रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर ऑनलाइन कोई बेचना खरीदना तो दूर की बात, कोई सोच भी नहीं सकता था। लीगल प्रोविजन के बारे में कोई बात ही नहीं करता था, मीडिएशन इन सब चीजों के बारे में, पर अब ये सारी चीजें आ गई हैं। तो ये सब चीजें टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कंपेयर करने के लिए, जब आंसर राइटिंग लिखने में आप लोग यूज करोगे ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको भी वहां पर प्रोवाइड करा दिया था। ओके, अब आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कई सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो उनको नोट डाउन भी आप लोग कर लिया कीजिए। बाकी वरना आप लोगों को सारी चीजें PDF की फॉर्म में मिली जाती है। PDF का बेसिक पर्पज यही होता है आप लोगों के सामने, ताकि कभी भी आप लोग खोले किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर को, तो उसकी कंबाइन PDF भी आप लोगों को दे देता हूं, ताकि आप लोग कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले, ठीक है। तो अपना रिविजन करना अब आप लोगों के हाथ में रह जाता है यार, उसको क्या करो अच्छे से, ताकि सारी चीजें आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सको। बात करते हैं यहाँ पर डिफेंस के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज बन जाती है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन आर्मी के बारे में।
तो हमारी कंट्री के द्वारा देखिए टेक्नोलॉजी का काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है ताकि कल को चलकर हमारे सिस्टम जो है वो कोई हैक ना करे। तो इसके चलते पहले आप लोगों ने देखा यहाँ पर आज की डेट में हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर कितना फोकस देते हैं, पता चला चाइना की साइड से कुछ ना कुछ हरकतें चलती रहती हैं। तो चाइना की वो हरकतों को हम लोग रोकने के लिए हम लोग अपने लेवल पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट आज के डेट में कर रहे हैं। उसी में से ये एक एक्सपेरिमेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि अप्रिशिएट करने लायक है यहाँ पर आने वाले टाइम के पॉइंट ऑफ से भी अगर आप लोग इसको देखते हैं। क्या बात की जा रही है पहले समझ लेते हैं, फिर आप लोग चीजों को अच्छे से देखिएगा कि क्या 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 मुद्दे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर कि आर्मी के द्वारा अभी क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी जो है वो यहाँ पर सेटअप की गई है। कहाँ पर? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेंटर भी रहेगा कहाँ पर? ये है महुआ मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो बेसिकली महुआ वाला एरिया है वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो एक तो आप लोग अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वैसे ही इंपोर्टेंट हो जाता है, और वैसे ये न्यूज जो है वो नेशनल लेवल की है तो किसी भी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ पर काफी डिटेल में इसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया और भी कई सारे जो न्यूज़पेपर थे उनके द्वारा भी इसको अच्छे से कवर किया गया, तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग जो लेबोरेटरी यहाँ पर वो एस्टेब्लिश की जाती है, इस्टेब्लिश की गई यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट की हेल्प से, ठीक है। तो मिलकर इनके द्वारा क्या काम करना है, तो एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे अपने ही देश के अंदर। हम लोग अगर आरएनडी के ऊपर फोकस करेंगे यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो बाहर की तरफ को हम लोग को मुंह नहीं ताकना पड़ेगा कि हाँ यार कोई हमको ये काम करके देगा, अपना खुद से काम करेंगे ना। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी चीजें और भी आप लोगों को डेवलप होती यहाँ पर नजर आएंगी। तो थ्री टायर ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, जिसके चलते हर एक लेवल पर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से, एनर्जी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से जो भी इश्यूज होगा यहाँ पर पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलने वाला है। इंडियन आर्मी जो है वो एस्टेब्लिश कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर सेम इंस्टीट्यूट, यहाँ पर लगभग 140 डिप्लॉयमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, और यहाँ पर जो इंडस्ट्री और जो एकेडमिक है वो यहाँ से सपोर्ट आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। राम कहानी सुन ली सारी, चलिए एक तो इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ही हो गया कि चलो ये एस्टेब्लिश किया गया और किसकी हेल्प से एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट की हेल्प से एस्टेब्लिश किया गया, ये तो समझ में आ गया। भाई साहब ये तो बताओ यार ये कंप्यूटर कंप्यूटिंग यहाँ पर ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है इसके बारे में बात करें। देखिए नॉर्मली अगर क्वांटम कंप्यूटर आप लोगों ने सुना हो, क्वांटम कंप्यूटर के बारे में सुना होगा ना, तो ऐसे कंप्यूटर जो नॉर्मली यहाँ पर क्वांटम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे बात करूंगा। ये जो एक तरीके से अगर कैलकुलेशन करने की बात है ना इनकी, तो यहाँ पर ये एक तरीके से पहले ही उसको प्रोबेबल फॉर्म में आप लोगों को बता देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोग मॉर्निंग में उठकर अपनी जिंदगी को सही से यूटिलाइज करना स्टार्ट करोगे, अपने टाइम के मॉर्निंग के 6 घंटे अगर ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों की लाइफ में जो है लगभग 50% प्रोडक्टिविटी एकदम इंक्रीज हो जाएगी। अब ये चीजें ऐसी हैं जो मैं अपने एनालिसिस के बेस पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ और मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो एक तरीके से सारी चीजें करता हूँ तो तब तक यहाँ पर काफी चीजें निपटा चुका होता हूँ जब तक दुनिया उठती है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि मेरी जिंदगी जो है काफी एडवांस चल रही होती है एज कम्पेयर टू जो लोग यहाँ पर थोड़ा लेट उठते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता है। इवन यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कई सारे लोगों को तो ये लगता है कि ये एक तरीके से अभी सोके उठा है, ठीक है, जब तक यहाँ पर काम भी निपट चुका होता है, हमारी हिंदू की वीडियो भी अपलोड हो चुकी होती है, तो कईयों को ये लगता होगा कि अच्छा अभी घर से निकल के आया लड़का, ठीक है, तो अच्छा अभी मतलब सो के उठाया है, ठीक है। एक दिन ऐसे ही था, मैं मतलब अपना काम निपटा के चला तो एक अंकल थे पड़ोसी, तो उनके द्वारा बोला गया बेटा थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। मैंने कहा अंकल जी रात को ना थोड़ा लेट सोता हूँ क्योंकि उठने के बाद मैं थोड़ा बाहर गया ना इस तरीके से, तो उनको लगा कि अभी उठ के आ रहा है बच्चा, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा है अंकल जी थोड़ा सा लेट सोया था रात, तो उनको क्या पता क्या चल रहा है अंदर तो ये चीजें रहती है, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आज की डेट में अगर चीजें आप लोग देखोगे तो आप लोग एडवांस हो जाओगे। तो मैंने ये एक एक्सपेक्टेशन लगाया कि हाँ अगर आप लोग मॉर्निंग में उठकर काम करोगे तो लगभग आप लोग की इफिशियंसी जो है 50% बढ़ जाएगी आज के टाइम से। तो ये क्या हो गया, मैंने एक तरीके प्रोबेबिलिटी काउंट की, क्योंकि मैं उस काम को कर रहा हूं तो आप लोग भी करोगे तो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी यहां पर चेक करती है कि एक तरीके से अगर जब तक आप लोगों ने उसको मेजर भी नहीं किया है उससे पहले ही बता देगा कि ऐसा कुछ होने वाला है यहां पर, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से अच्छे तरीके से चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से काफी बेहतरीन आप लोग इन चीजों को बोल सकते हो कि आने वाले टाइम में सिक्योरिटी एक लाजवाब लेवल की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कैसे रिसर्च करनी है, टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव हम लोग को बनानी है ताकि हमारी जो आर्म फोर्स है उनको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके। देखिए आर्म फोर्स हमको तब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी ना अगर खुद आर्म फोर्स सिक्योर रहेगी। अगर आर्म फोर्स हमारी सिक्योर नहीं है तो हमको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। तो रिसर्च और ट्रेनिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज की डेट में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार ना, जैसे रोबोट मूवी आप लोगों ने देखी है, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर टिकी होती है। यानी कि एक तरीके से मशीन जो है वो इस तरीके से काम करने लगे, अपने आप में ही मशीन जो है अपने आप से ही इंस्ट्रक्शन लेने लगे, ठीक है। आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं, एक बार प्रोग्रामिंग कर दी और वो अपने आप ही से अपने आप को इंप्रूव कर रही है। तो वो वाली चीजें आप लोग समझ सकते हैं। चिट्ठी नहीं था वो एसआरए राय से प्यार करने लगा था, बस वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
तो ये कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है अगर हम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो इसके बारे में भी बातें की जाती है। एक इंटरव्यू में सुन रहा था यहाँ पर इलोन मस्क का और जैक मा का, उसमें इलोन मस्क बोलते हैं कि वो ऐसी चिप के ऊपर काम कर रहे हैं कि कल को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काबू से हमारे बाहर हो जाए तो हम लोग क्या करें उसको कंट्रोल कर सके। यानी कि इंसान को इतना पावरफुल बनना पड़ेगा वहां पर, इंसान के माइंड में वो चिप सेट की जाएगी ताकि उसको टकल कर सके जो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन सामने निकल कर आई है। तो ये काफी एक बेहतरीन मुद्दा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में बात की जा रही है किसके बारे में, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेगा जो कि यहाँ पर क्रिप्टोग्राफ को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफ। यानी कि आज की डेट में क्रिप्टोग्राफी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ काफी अच्छा एक सिक्योर सिस्टम है। तो आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, जैसे बिटकॉइन होता है काफी सिक्योर मीडियम से उसको प्राप्त करते हैं, पर लेकिन उसके भी पिताश्री है यहाँ पर क्वांटम। ठीक है, तो इसमें बात करें तो यहाँ पर और ज्यादा ये सिक्योर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जा रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में बात की जा रही है। तो अगर कल को चलकर QKD यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हम लोग करते हैं तो काफी सिक्योर कम्युनिकेशन हमारी जो आर्मी है वो एक दूसरे के साथ में कर पाएगी। मान लीजिए कोई हमारी आर्मी की जो फोर्स है पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में बैठी हुई है, ठीक है, और यहां से कम्युनिकेशन करना है दिल्ली में बैठी हुई हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो यहां पर पर्सन है, तो डिफेंस कम्युनिकेशन इतना शानदार होना चाहिए कि किसी को उसकी कानो कान खबर भी न हो। तो ये सारा क्वांटम कम्युनिकेशन की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है कि कोई उसको इंटरसेप्ट कर ही नहीं कर पाएगा, कोई उसके अंदर इंटरफेयर कर ही नहीं पाएगा। तो ये वाली चीजें हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। और बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो क्वांटम मैकेनिज्म पर काम करती है, और आज नहीं बनाया गया इसको, 20th century में लगभग आप लोग बोल सकते हैं डेवलप कर लिया गया था, पर लेकिन एप्लीकेशन अभी यहाँ पर आप लोगों को अच्छे लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। एक तो काफी अनब्रेकेबल रहता है, इसके थ्रू जो कोड आप लोग भेजेंगे जो भी चीजें होंगी कोई इसको ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, अगर टच भी करने की कोशिश करेगा ना तो इसको तो छू अंतर हो जाएगा वहां से, यानी कि एक तरीके से उसको फिर रिकवर नहीं कर पाएगा, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में सुपर स्पीड, स्पीड भाई साहब आप लोगों को पता है लाइट की स्पीड क्या है, तो वही स्पीड आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा बताइए जरा लाइट की स्पीड आप लोगों ने सुनी थी ना बचपन में पढ़ा करते थे कि 3×10^10 कितनी कितनी कितनी, बताइए चलिए लाइट की स्पीड क्या होती है। ठीक है, मानिए चांद से हमारी पृथ्वी पर जो लाइट को आने में कितना टाइम लगता है आप लोग ये बताइए, और कितनी डिस्टेंस आप लोग ये बताइए। सारी चीजें आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाती है अगर ध्यान से पढ़ोगे, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो बेस बनाने के लिए। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्यूबिट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एक स्टेट बिजनेस के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटम बिट्स बेसिकली इनको बोलते हैं, तो ये क्वांटम कंप्यूटर की एक तरीके से ये नापने वाली यूनिट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, तो एक तरीके से यहाँ पर ये काफी सिक्योर मीडियम बोल सकते हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अब यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो काफी सिक्योर है, तो इसके चलते यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। अभी रिसेंटली चाइना के द्वारा इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया क्वांटम कम्युनिकेशन को लेकर, तो टेरेस्ट्रियल सैटेलाइट और सैटेलाइट जो है यानी कि धरती के ऊपर जो सैटेलाइट है और ऊपर जो सैटेलाइट है उनके बीच में कम्युनिकेशन बैठाने की कोशिश की गई। तो काफी सिग्निफिकेंस है, यानी कि काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, अगर ऐसे हम लोग कनेक्शन कर पाते हैं तो इससे फायदा क्या रहेगा, इससे यार ये फायदा रहेगा कल को हम किसी के साथ में अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना यानी कि बातें कर रहे हैं तो उसको कोई सुन नहीं पाएगा, तो सेफ रहेंगी सारी चीजें, कोई चेक नहीं कर सकता है उसके अंदर, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो इससे रिसर्च जो है वो नेक्स्ट लेवल की पहुंच जाएगी। पहली इंपोर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में, अगर बात करते हैं यहाँ पर जो रिसर्च है, तो ये कई सारे फंडामेंटल क्वेश्चन इन द फिजिक्स रिलेटेड टू ग्रेविटी, ब्लैक होल, ये सब क्या चीजें हैं उसके बारे में भी और ज्यादा पता चलेगा हम लोगों को। ठीक है, तो इसी के चलते जो क्वांटम इनिशिएटिव है ये आप लोगों को एक बिग बूस्ट देगा, जो यहाँ पर जीनोमिक इंडिया प्रोजेक्ट है, हम लोग जीनोम आज के डेट में यहाँ पर बेसिकली तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते कई सारी चीजें हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब आप लोग ये बोलोगे सर जीनोम तो बता दो एक बार, तो जीनोम क्या होता है, तो GENOME, ठीक है, तो जीनोम क्या होता है इसको बोलते हैं बेसिकली एक तरीका जो जीन होते हैं ना जो हमारी बॉडी के अंदर में, ठीक है, तो उनका एक सेट होता है। ठीक है, तो यहां पर ये बोलेंगे कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन ए सेल और लिविंग थिंग्स, तो इसको आप लोग जीनोम बोलते हो, तो उसके बारे में हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। तो कल को चलकर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई बीमारी है तो उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम हो रखी है उस इंसान को, तो सुना होगा आप लोगों ने कई बार, तो जेनेटिक प्रॉब्लम को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, सुनामी हो गई, सूखा हो गया, भूकंप आ गया, भाई साहब बाढ़ आ गई, तो उसको कैसे टैकल करना है ये भी काफी मुद्दा होगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम कर पाएंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो आने वाले टाइम में इवन फार्मास्यूटिकल जो कि दवाई वाला एक एरिया है उसमें काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी जिसके चलते हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये काफी जरूरी है, अगर हम लोग इसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो कई सारे एरिया में टाइम फ्रेमवर्क के तहत हम लोग डिस्कवरी कर पाएंगे अच्छी अच्छी चीजों की। अभी यहां पर बात की जा रही है आर्ग्यूमेंटिंग जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, पहले हम लोग क्या करते थे,
नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आए पहले कि हाँ कि उसके यूके के अंदर में हम लोगों ने बेसिकली कपड़े बनाने की मशीनें लगा ली, वो सब इंजन वजन वो सब चीजें चल रही। फिलहाल जो कम जो यहाँ पर अभी अगर आज के डेट के रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग को एक तरीके से अपना पार्ट बनाकर चलते हैं। नेक्स्ट लेवल की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए आने वाली जनरेशन हमेशा जाने वाली जनरेशन से स्मार्टर आप लोगों को नजर आएगी। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो बाबा दादा थे वो ज्यादा बेचारे मोबाइल वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, ठीक है। अभी यहां पर जो हमारे मम्मी पापा हैं वो भी इतने नहीं जानते हैं। हम जो है हम उनसे थोड़ा और बेहतर जानते हैं। हमसे आने वाली जनरेशन जो छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा अभी वो और भी ज्यादा जान रहे हैं इन चीजों को। यानी कि ये जनरेशन जो है जैसे जैसे आगे आती जा रही है तो वैसे वैसे यहां पर इंप्रूवमेंट होता हुआ जा रहा है। ऐसे ऐसे हम लोग टेक्नोलॉजी में और ज्यादा आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अभी यहां पर ऐसे ही ऐसे यहां पर जो रिवोल्यूशन है ये भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं उसी लेवल पर। तो अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो 4 यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग यूज की जाएगी। तो इसके बेस पर हम लोग जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, रोबोटिक्स के बारे में बात करते हैं। आप लोग बात ही करते हैं आज के में कि ऐसी गाड़ी आएंगी इसमें ड्राइवर नहीं रहेगा, ये सारे काम आप लोग घर पर ही आज के डेट में अलेक्सा वलेक्सा ये पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही है आप लोगों ने देखा होगा। तो दुनिया भर की आज के में ये सारी चीजें आप लोगों को चल रही है। जो ऐसी सिटीज बनाने की बात की जा रही है जहां पर सारी चीजें ऑटोमेटिक आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ऑटोमेशन पे काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से आने वाले टाइम में जो नॉलेज और इसी के साथ में जो इकोनॉमी है वो एक दूसरे के साथ में मिक्स कर दी गई और इससे यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है आगे आने वाले टाइम में। तो चैलेंज एसोसिएटेड कई सारे हैं। हालांकि इसके साथ में सोचो अगर अलादीन का चिराग जो है जिसको घिसने से उसके अंदर से जिन निकलता है और वो जिन जग का जो चिराग है वो किसी के हाथ में लग जाए तो वो इंसान क्या करेगा, उस जिन से उल्टे सीधे काम करवाएगा और जिन को बेचारे को करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ये बोलेगा जो हुक्म है मेरे आका घिसने से बाहर निकल गया बेचारा, तो जिन को सारी हरकतें उसकी पूरी करनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर वो सही इंसान के हाथ में रहेगा तो सही तरीके से उसको यूटिलाइज करेगा। तो यही बातें यहां पर भी बोली गई है। कहने का मतलब यह कि ज्यादा घुमा फिरा के अगर नहीं बोला जाए कि आज के डेट में अगर ये टेक्नोलॉजी किसी ऐसे इंसान के हाथ में लग जाती है जो कि साइंटिस्ट द ग्रेट साइंटिस्ट जैकोल टाइप का कोई आदमी है, ठीक है। जैकोल तो चलो आप लोग शक्तिमान में देखते थे, अभी हमारी पृथ्वी की जैकोल आप लोगों ने देखे होंगे ना ओसामा बिन लादेन, तो वो एक साइंटिस्ट आदमी था, ठीक है, काफी माइंडेड आदमी था। तो ऐसी हरकतें करेगा तो फिर कैसे होगा? तो ये ऐसे अंडरस्टैंड आप लोग कर सकते हैं। तो यहां पर ये काफी ज्यादा जरूरी है, अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ में आ गई और वो उसको गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं तो ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि उसकी डार्क साइड भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी यहां पर बात करें इंडिया के अंदर क्या कोई इनिशिएटिव है, हाँ भाई साहब बिल्कुल है। 2020 में हम लोगों ने लगभग 8,000 करोड़ दिए इन चीजों के लिए, समझ रहे हैं आप लोग, 8,000 करोड़। तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। तो नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो लगभग 5 साल के लिए इसके ऊपर काम किया जा रहा है। नेशनल मिशन ऑन यहां पर इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसके ऊपर भी काफी काम किया जा रहा है। और 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव जो स्टार्ट किए गए डिस्कशन के लिए टेक्नोलॉजी को लेकर तो यहां पर इसके ऊपर भी 51 के करीब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें आगे निकल कर आई। तो क्वांटम इनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की गई यहां पर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर हमारी कंट्री में भी काम चल रहा है पर लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे यार अभी, क्योंकि हम लोग ज्यादा इन चीजों में घुसते नहीं है, ठीक है। हम लोग मैक्सिमम तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ही फोकस नहीं करते हैं। तो अभी आदतें बननी स्टार्ट हुई है, बिल्कुल ऐसे बोलना मॉर्निंग में उठना है जल्दी आप लोगों को 6:30 बजे या फिर 6 बजे। तो कई सारे बच्चे सोचते हैं सर कैसे उठे, उनसे पूछो ना जो आज के डेट में 3 बजे उठ रहे हैं 4 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। तो हिम्मत करोगे तो क्या नहीं होता यार इस धरती पे, आज की डेट में हर एक चीज मिलती है, बस थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलो। आप लोग बाहर ही निकलने के लिए तैयार नहीं है तो आप लोग सोचते हैं सारी चीजें रजाई में मिल जाए आप लोगों को, तो ऐसे तो ना होगा भैया, बिना रजाई से नहीं निकले मिलेगी भैया, जो रजाई से निकले बैठा है वो लेकर चला जाएगा सारी चीजें, फिर तकते रहना हाथ की ये क्या हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऐसी ऐसी न्यूज जो है आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है तो डिटेल में समझेंगे आखिर चल क्या रहा है ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड यहां पर कर पाओ। बात करेंगे किसके बारे में, पेंगोलिन के बारे में। तो ये पेंगोलिन आप लोगों को यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। नॉर्मल तौर पर नेवला देखा आप लोगों ने, नेवला तो नेवले का भाई बोल सकते हैं पेंगोलिन, ठीक है। बहन तो मत बोलेगा, पेंगोलिन मतलब मेल टाइप का लग रहा है, ठीक है, मतलब जो भी लगे आप लोगों को बहन भाई जो भी बोले बोल लीजिए इसको, ठीक है। अभी क्या हुआ रिसेंटली यहां पर, रिसेंटली अभी यहां पर रेडियो टैगिंग का यूज किया गया था इंडियन जो पेंगोलिन के ऊपर में, तो उसके चलते यहां पर अभी पता चला है कि यहां पर जो एक पर्टिकुलर जूलॉजिकल पार्क है यहां पर कहां पर जिसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा नंदनकनन, ठीक है। तो यहां पर ये कहां पर निकल कर आता है, यहां पर नंदनकनन ये है उड़ीसा के अंदर में। तो यहां पर अभी एक जो एक ऐसा पेंगोलिन था उसको रिलीज किया गया उसकी मॉनिटर करने के बाद में, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हम लोग यहां पर अगर बात करें ना सेंसस हम लोग कंडक्ट कराते हैं तो उसमें भी हम लोग कई सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं तो इससे पता चलता रहता है कि कहां पर क्या सिचुएशन है तो उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो उसी की इन्फॉर्मेशन यहां पर निकल कर आई। रेडियो टैगिंग जो है इसमें क्या करते हैं, ट्रांसमीटर लगा देते हैं एनिमल के ऊपर में और तो उसके मूवमेंट को यहां पर टैगल करता है कहां पर आप लोग घूम रहे हैं सारी चीजें। नॉर्मली जो प्लेयर होते हैं ना हमारे क्रिकेट के अंदर प्लेयर खेलते हैं उनके अंदर भी बॉडी के अंदर ट्रांसमीटर रखा जाता है ताकि उनकी बॉडी की जो चीजें उसके पता लगा जा सके, ठीक है। पता चला इतनी गर्मी हो रही है कहीं पर दिक्कत हो रही है दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं हार्ट अटैक आकर इधर उधर ना हो जाए, ठीक है।
तो ये सारी चीजों को एक मॉनिटर किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर इनको भी मॉनिटर करने की चीजें यहाँ पर स्टार्ट की गई। तो टाइगर, लेपर्ड, इसी के साथ में माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, तो कई जगह यहाँ पर ये यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो पेंगोलिन जो है इसके ऊपर अभी यहाँ पर यूज किया गया, तो इसके चलते इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे आगे लेकर चलना है, तो इनके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो ये आर्टिकल हिंदू के अंदर भी कवर किया गया और भी कई जगह यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। अब बात करते हैं पेंगोलिन के बारे में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर दो तरीके के देखने को मिलेंगे, एक तो है इंडियन पेंगोलिन, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं चाइनीज पेंगोलिन। और इनके साइंटिफिक नेम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले का नाम है पर मैनिस क्रेसिकोडेटा, ठीक है, तो मैनिस क्रेसिकोडेटा। और दूसरे का नाम जो लिखा गया यहाँ पर यह है मैनिस पेंटाडेक्टाइल, ठीक है, तो मैनिस पेंटाडेक्टाइल। तो ये इनके नाम है यहाँ पर जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। वैसे ये चाइनीज पेंगोलिन है और ये इंडियन पेंगोलिन है, पर इंडिया के अंदर दोनों पाए जाते हैं। ओके, तो जो इंडियन पेंगोलिन है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इंडियन हिमालयन वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, और बाकी यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइप आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये दूसरे वाला जो चाइनीज है यहाँ पर ईस्टर्न नेपाल के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के अंदर में और सदर्न जो चाइना के अंदर में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया के अंदर दोनों तरीके के पेंगोलिन यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी अगर बात करें, कई सारी थ्रेड देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी तो ये है, इनको दवाइयों के लिए यूज किया जाता है, इनको मांस वगैरह भी इनका खाया जाता है, खासकर चाइना और वियतनाम के अंदर काफी लार्ज स्केल पर। तो हंटिंग और पोचिंग जो इनकी होती है लोकल एरिया पर, तो उसकी वजह से इनकी जो जान है वो जख्म में पड़ी रहती है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रैफिक, यानी कि सबसे ज्यादा एक तरीके से शिकार बनने वाला ये शिकार एनिमल है, ठीक है। इसको देखो आप लोग क्या क्या इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग ब्रेसलेट बना रहे हैं इसका, यहाँ पर काट पीट का, ठीक है। तो इंसान जो है पर क्या बने, मतलब इंसान जानवर बन चुका है, जानवर को तो जानवर आप लोग बोलते हैं, इंसान उससे बड़ा जानवर बन चुका है। देखो सौ क्या चीजों रखने के लिए यहाँ पर ये पेंगोलिन का बनाया जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, क्या ही करें बस। मतलब एक बार को समझ में आता है, दवाइयों के लिए एक बार को यूज किया जा रहा है किसी को जान बचाने के लिए, तो वहां पर एक बार को बोल सकते हैं कि इंसान भी अपना खून देता है दूसरे की जान बचाने के लिए। पर लेकिन यहाँ पर सोखिया तौर पर ये चीजें करें तो यार ये थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। ये ना गंदा है, बहुत गंदा है, पर क्या करूं मेरा धंधा है, वो वाला डायलॉग याद आता है मुझे। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, 1972। तो शेड्यूल 1 के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी के साथ में IUCN यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके अंदर इसको यहाँ पर इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, और चाइनीज वाला तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, यानी कि चाइना ने तो अति उतार रखी है, वो नहीं कहते आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो चाइना इनके और अच्छे लेवल पर बर्बादी कर रहे हैं, हमारी वाला जो है उसकी बर्बादी फिर भी इतनी नहीं आप लोग बोल सकते हैं, चाइना वाले की बर्बादी और ज्यादा लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हमारी कंट्री में तो आप लोग बोल सकते हैं इस तरीके से हम लोगों ने फिर भी थोड़ा सा कमी कर रखी है, पर इन्होंने और कमी यहाँ पर उखाड़ दी। CITS के अंदर अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया। CITS क्या होते हैं यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करूं तो इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना। तो वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में बात करते हैं, तो पेड़ पौधे और पशु पक्षी दोनों इसके अंदर में आते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। तो इसके भी अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है, मतलब ये एक पर्टिकुलर लिस्ट आप लोग बोल सकते हैं जहां पर रखा गया है। यहां पर रखने का मतलब है कि हाँ ये भाई साहब इनको आप लोगों को बचाना है, इसके ऊपर काम करना है, वरना दिक्कत में आ जाएंगे बेचारे, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है नंदनकन जो जूलॉजिकल पार्क है, ये 15 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा कैपिटल भुवनेश्वर से। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख पा रहे हैं, ये एग्जैक्ट इसकी लोकेशन होगी। ये यहाँ पर इनोग्रेट किया गया था 1960 के अंदर में। और बात करें इसकी तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एक्वेरियम जो पानी के मछली वगैरह रखते हैं, तो ये बोलते हैं WAZA, तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एक्वेरियम। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर बात करें तो फर्स्ट जू था कंट्री का जो कि यहाँ पर इसका मेंबर बना, ठीक है। इसी के साथ में ये ग्लोबल अलायंस है, रीजनल एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन जूज एक्वेरियम, जो कि यहाँ पर डेडिकेट करते हैं केयर कंजर्वेशन एनिमल की और उनके हैबिटेट की, यानी जहां पर जो भी जानवर रहता है उनका रहने की जगह, उनके घर गृहस्थी जो है वो ठीक चलती रहनी चाहिए, उनकी केयर के बारे में बात करते हैं कि कोई तो है सोचने वाला, ऐसा लगता होगा जानवरों को भी, ठीक है। तो ये यहाँ पर उनके बारे में सोचते हैं। अभी यहाँ पर इंडियन पेंगोलिन और इसी के साथ में जो व्हाइट टाइगर है तो रिकॉग्नाइज किए गए थे यहाँ पर इसके अंदर ब्रीडिंग जो जू के अंदर में। लेपर्ड इसी के साथ में मस्क डियर देखेंगे यहाँ पर, मुंह से जैसा इसका मुंह से जैसा फेस आप लोगों को इस डियर यानी कि हिरन का देखने को मिलेगा। लोयन रैट वगैरह, वल्चर, गिद वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसी पर्टिकुलर एरिया में। वर्ल्ड का फर्स्ट जो यहाँ पर कैप्टिव क्रोकोडाइल जो ब्रीडिंग सेंटर है, यानी कि एक ऐसा ब्रीडिंग सेंटर जो दुनिया में पहला यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा घड़ियाल से रिलेटेड और क्रोकोडाइल से रिलेटेड। तो यहाँ पर 1980 में चीजें स्टार्ट की गई। और स्टेट बोटनिकल गार्डन ऑफ नंदनकानन, ठीक है, तो ये एक काफी इंपोर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है जहां पर कंजर्वेशन और नेचर एजुकेशन के बारे में बात की जाती है उड़ीसा के अंदर में।
तो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में पूछ ले तो ये भी आप लोग कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या देखने यहाँ पर, कहां पर ये पाया जा रहा है, क्यों ये न्यूज में है, क्या साइंटिफिक नेम है, चाइना और इंडिया दो तरीके के पाए जाते हैं, इसी के साथ में कैसे इनका शिकार करके इनको बर्बाद किया जाता है, कहां कहां पर इनको रखा गया है, और ये एक नेशनल आप लोग यहाँ पर जो बेसिकली जूलॉजिकल पार्क हो गया। तो ये था पूरा टॉपिक, आई होप कि माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहां पर हम लोग बात करेंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में। तो ये जीएस पेपर वन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी यहां पर प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों के क्वेश्चन यहां पर बन जाएंगे। साहित्य अकेडमी अवार्ड हमारे देश में अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए, तो 20 लैंग्वेज में यहां पर ये अवार्ड दिए गए हैं अब की बार में। तो यहां पर जो 20 लैंग्वेज में दिए गए हैं अवार्ड यहां पर ये अनाउंस किए गए, इसी के साथ में युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिले। साहित्य अकेदमी अवार्ड जो है ये 1954 में इनको बनाया गया था। एनुअली यहां पर साहित्य अकेदमी जो है इसी के साथ में इंडियन नेशनल अकेडमी जो यहां पर देखने को मिलेगी इनके द्वारा ये कंडक्ट कराए जाते हैं। नॉर्मली अगर संविधान के अंदर जाओगे आप लोग 8वें शेड्यूल में, तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 22 लैंग्वेज में अगर आप लोग दो लैंग्वेज और ऐड कर दें तो ये 24 लैंग्वेज हो जाएगी। और वो दो लैंग्वेज कौन सी होगी, एक होगी इंग्लिशी, एक होगी इंग्लिशी बोल रहा हूं मतलब है ना, मेरे माइंड में आता पहले राजस्थानी, ठीक है, तो राजस्थानी होगी, दूसरी इंग्लिश बोलना था तो इंग्लिशी होगी, तो राजस्थानी और इंग्लिशी दोनों को देखने को मिलेगी। अब आप लोग भूलोगे नहीं एग्जाम में, ठीक है, तो राजस्थानी और इंग्लिश दोनों आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज जो है ऑलरेडी हमारे 8वें शेड्यूल में, और दो लैंग्वेज और जोड़ गए तो 24 लैंग्वेज में यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। इसी के साथ में याद रखिएगा साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो दूसरे नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है हमारे देश में। पहले नंबर पर है ज्ञानपीठ अवार्ड, जननपीठ बोल सकते हैं वैसे इंग्लिश में, पर लेकिन रियलिटी में इसका नाम जो है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर कवर किया गया अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा। क्राइटेरिया क्या है चूज करने का, एक तो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, यानी कि बाहर वाले को पकड़ा देंगे पैसे, भाई साहब ऐसे थोड़े ना हिस्से रहे होने, मेहनत की कमाई है, ऐसे ही थोड़े ना पकड़ा देंगे। इसी के साथ में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में बात करेंगे यहां पर। अगर बात करें कई सारे और भी क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो यहां पर यानी कि तरीके से उनकी बुक के बारे में जानेंगे कैसा कंट्रीब्यूशन है उनकी किताब का, ठीक है, कंसीडर किया जाएगा किस तरीके से यहां पर उसको डिक्लेयर करना है अवार्ड के तौर पर। तो बहुत सारी चीजें और भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। साहित्य अकेदमी अवार्ड जो है यहां पर साहित्य अकेदमी बाल पुरस्कार जो है ये एक ऑथर जो है बेसिकली हिज और हर टोटल जो कंट्रीब्यूशन है चिल्ड्रन लिटरेचर के अंदर अगर वो कोई काम करते हैं बच्चों से रिलेटेड किताबें पब्लिश करता है, ठीक है, तो रिलेटेड टू फर्स्ट बुक पब्लिश ड्यूरिंग द जो उसकी 5 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द ईयर ऑफ अवार्ड, यानी कि लास्ट 5 ईयर में इसको चेक करने की कोशिश की जाती है। साहित्य अकेदमी पुरस्कार जो है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बुक पब्लिश की जाती है ऑथर के द्वारा एज ऑफ 35 और उससे नीचे। तो यहां पर अगर आप लोगों की एज जो है आप लोगों की मतलब सबकी एज है यहां पर 35 या फिर उससे नीचे है, तो यहां पर अगर आज के में आप या फिर मैं भी किताबें लिखूं तो यहां पर इसके अंदर हम लोगों को पुरस्कार मिल जाएगा आसानी से, ठीक है, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं अगर आप लोग राइटिंग के शौकीन है। बाकी अच्छे से आप लोग अगर चीजों को लेकर चलो तो आप लोग इनको जीत सकते हैं आगे चल के। जो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, तो ज्ञानपीठ है हमारी कंट्री में हाईएस्ट अवार्ड जो हमारी कंट्री में एनुअली दिया जाता है, और यहाँ पर ये इंग्लिश के साथ में अदर लैंग्वेज मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर संविधान के अंदर 8वें शेड्यूल में उनको कंसिडर किया जाता है। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर ब्रॉन्ज रेप्लिका दी जाती है जो बेसिकली सरस्वती जी की आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से नहीं एक ज्ञान की देवी मानी जाती है, ठीक है। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर वो है बेसिकली भारतीय ज्ञानपीठ। इसी के साथ में आसामीज जो पॉइंट है जिनका नाम है यहाँ पर नीलमणि फुलकन, ठीक है, नीलमणि फुलकन जो है जिनके द्वारा 56वां यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड जीता गया। उसी के साथ में यहाँ पर कोंकणी नॉवलिस्ट जो है जिनका नाम है दामोदर मौजो उनके द्वारा 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड यहाँ पर जीता गया, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो आप लोग याद रख सकते हैं जिसके बारे में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल जो भी हम आप लोगों से डिस्कस करने वाला ना इसको थोड़ा सा टकटकी लगाकर सुनेगा, मन तो था इसको स्टार्टिंग में डिस्कस करने का पर मुझे लगा जो अच्छी चीजें होती है उनको तो कभी भी डिस्कस कर लो मजा ही आएगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मजा आएगा तो अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। बात कर रहे हैं पॉलिटी और फेडरलिज्म के बारे में। पॉलिटी यानी कि आप लोगों की जो भी पॉलिटी होती है जो आप लोग डेली पढ़ते हैं जिसे मैं कहता हूं ना कि जो एक तरीके से कि पॉलिटी होने करंट अफेयर मेरा प्यार है और पॉलिटी मेरा यार है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर पॉलिटी और बेसिकली यहां पर फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर पॉलिटी और फेडरलिज्म में यहां पर जो संघवाद का ढांचा होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल बात करेगा पुदुचेरी के बारे में जिसको पोंडिचेरी भी आप लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो नॉर्मली हमारी कंट्री में अगर पोंडिचेरी को आप लोग देखेंगे तो 4 डिस्ट्रिक्ट है। पहला डिस्ट्रिक्ट है उसको आंध्र प्रदेश के अंदर में जिसको आप लोग बोलते हैं यनम पुदुचेरी है। दूसरा पुदुचेरी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली तमिलनाडु के अंदर में। इसी के नीचे एक हो गया क्राइकल यहाँ पर जो भी तमिलनाडु के अंदर में, और एक केरला के अंदर देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मेह पुदुचेरी।
तो टोटल मिलाकर चार डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहां पर पुदुचेरी के नजर आ जाएंगे देश के अंदर में, जो कि अलग अलग राज्य के अंदर भी फैले हुए हैं। अगर यहां पर बात करें तो क्या बोला गया, जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी बार बार बोलते रहते हैं कि भाई साहब हमारी जो दिल्ली है ना उसको आप लोग स्टेट बना दो, पर लेकिन यहां पर इसको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि दिल्ली की अपनी एक अहमियत है और यहां पर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा सा मांगता है। ठीक है, तो नॉर्मली मैक्सिमम जहां जहां पर भी कैपिटल है मैक्सिमम कंट्रीज की, वहां पर आप लोगों को नॉर्मली वो यूटी ही रहती है, यानी कि वो सेंट्रल के अंडर में ही रहती है मैक्सिमम पावर उसकी, खासकर लो एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो सब चीजें, डिफेंस सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर जो है पुदुचेरी के, उनके द्वारा बोला गया कि स्टेट हुड का दर्जा दे दो यहां पर पुदुचेरी को, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया है। तब स्टेट हुड का दर्जा माना गया पुदुचेरी के लिए, तो यहां पर ये काफी लंबे समय से अगर यहां पर बात करेंगे तो इसके चलते यहां पर ये बार बार मांग उठती रहती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में फिलहाल अगर जम्मू एंड कश्मीर को अभी आप लोग हटा दो, साइड में कर दो, ओनली दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है, एक तो होगी दिल्ली और दूसरी होगी पुदुचेरी, जहां पर खुद के चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इलेक्शन होता है बकायदा और उसके खुद के चीफ मिनिस्टर यहां पर चुने जाते हैं, तो ये यहां पर काफी ज्यादा एक सपोर्ट यहां पर आप लोगों को यूनियन टेरिटरी का देखने को मिलेगा, तो उसके चलते यहां पर पुदुचेरी जो है यहां पर काफी अच्छे लेवल पर यहां पर इन्वाइट कर पाएगी आने वाले टाइम में, कि कैसे ढांचागत विकास करना है, टूरिज्म की फैसिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, लिंग्विस्टिक और कल्चर रीजन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि एक नया स्टेट यहां पर बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लैंग्वेज के बेस पर हमारे देश में 1953 में पहला कोई राज्य बना था, तो वो कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। अब वो अलग बात है कि 2014 में यहां पर आगे चलकर उसे तेलंगाना अलग निकल गया, पर लेकिन पहला राज्य ये देखने को मिला था। इसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर लोकल रिसोर्सेज के बारे में बात करें, ठीक है, उसको कैसे लेकर चल रहे हैं, इसी के साथ में डिफरेंट कल्चर लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो यहां पर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का आप लोग लेकर आ सकते हैं, इसमें दिक्कतें रहती है फिलहाल। एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन यहां पर, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आप लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है, सन ऑफ द सॉइल वाले सेंटीमेंट रहते हैं कि हाँ ये तो इसी धरती का, इसी जमीन का जन्मा हुआ इंसान है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते बात की जा रही है कि यार हमको भी राज्य बना दो, तो तुमको राज्य बना दे तो क्या यहां पर चीजें देखने को मिलेगी, तो इशू क्या निकल कर आते हैं अगर नया स्टेट निकल कर आते हैं। तो अगर कोई नया स्टेट आप लोगों को बनाना है तो सबसे पहले तो यहां पर कोई पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी या फिर जो ट्राइब है, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो वहां पर पावर में आ जाती है, कि जो भी यहां पर कम्युनिटी, मान लीजिए मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया तो मुस्लिम कम्युनिटी वहां पर पावर करेगी, हिंदू डोमिनेटेड एरिया तो हिंदू कम्युनिटी वहां पर पावर करेगी, तो दूसरे जो लोग हैं वो बेसिकली यहां पर परेशानी में आ जाते हैं। तो यहां पर डिफरेंट स्टेटहुड जो मेन लीड कर सकते हैं हेजेमनी, यानी कि एक तरीके से वर्चस्व एक अलग कम्युनिटी का, जिसके चलते उनके हाथ में पावर आ जाए। ठीक है, इसके चलते इंटर रीजनल जो एक तरीके से राइवलरी, यानी कि लड़ाई भी आप लोगों को देखने को मिलती है, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, अच्छा हम लड़ेंगे अब की बार, हम लड़ेंगे इलेक्शन, तो जहां इलेक्शन होता है तो वहां पर कई बार आप लोगों को बेसिकली धोखाधड़ी और एक साजबाजी देखने को आप लोगों को मिल जाती है। तो स्टेट जो है यहां पर क्रिएट करने से नेगेटिव पॉलिटिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस यहां पर बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बन गए, सारी और चीजें जो एक गवर्नमेंट की खिलाफ खड़े हो गए वो सारी चीजें, और इंटर स्टेट वोटर पावर बाउंड्री ये भी कई सारे डिस्प्यूट आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलते ही रहते हैं, तो ये कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो ह्यूज फंड की जरूरत पड़ेगी, अलग से बिल्डिंग बनाई जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन की अलग से बनेगी, जैसे अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में देखा तो सारी चीजें अलग बनानी पड़ रही है, इवन कैपिटल में इतना पैसा लग जा रहा है कि सोचना पड़ रहा है कि यार अलग बनाना फायदेमंद था या फिर नहीं था। इसी के चलते यहां पर और भी कई सारी चीजें, यहां पर अगर बात करेंगे तो स्मॉलर स्टेट जो होता है वो ओनली पावर जो होता है वो एक तरीके से देखिए क्या होता है, अगर बात करें से ग्राम सभा हम लोगों ने बना दी, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गई, अब यहां पर जो राज्य हैं वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि पावर जो है अपने हाथ में ही रहे, इसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो पाता है, तो नीचे यहां पर बेसिकली पावर पहुंच नहीं पाती है, तो ट्रांसफर पावर नहीं कर पाते हैं नीचे, इसके चलते अपने हाथ में ही रखते हैं, तो इम्पावर नहीं करते यहां पर जो इंस्टीट्यूशन है, जो एक तरीके से ग्राम सभा हो गया, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, सारी चीजें अपने हाथ में लिए बैठे रहते हैं, तो ये काफी बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिलती है। तो ये कुछ इशू मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी यहां पर अगर इम्पावर करना है यूनियन गवर्नमेंट को कि भाई साहब आप लोग नया राज्य बना सकते हैं, तो इसके बेस पर कहां कहां से बातें निकल कर आती हैं, तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे संविधान के अंदर में। पहला आर्टिकल है यहां पर पार्लियामेंट के रिलेटेड, यहां पर आर्टिकल नंबर 2 यानी कि अनुच्छेद नंबर 2, तो पार्लियामेंट के पास में पावर है यहां पर कि पार्लियामेंट में बाय द लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, और इसी के साथ में एस्टैब्लिश ए न्यू जो स्टेट, इसी के साथ में टर्म और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। मैंने इसका जब आप लोगों को पढ़ाया था पॉलिटी के अंदर तो आप लोगों को याद होगा, मैंने बोला था कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 के तहत यहाँ पावर है कि चाइना को अगर कल को हम इतने ताकतवर हो गए चाइना को अपने अंदर मिला लिया और चाइना हमारी एक यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है, एक तरीके से चाइना हमारी एक नई नोवी यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है, तो अब नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी होगी हमारी चाइना, ठीक है, और चाइना जो है उसमें हम लोग इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं कराएंगे, उनको तो आदत है क्योंकि वो इलेक्शन ऑलरेडी कंडक्ट नहीं कराते हैं वहां पर, तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहेंगी तो दिक्कत है क्या, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बेस पर यहां पर ये हम लोग किसी को भी बाहर के एरिया को मिला सकते हैं अपने देश में, अपने ही देश के राज्य को अगर हम लोग को उसमें से तोड़ के नया राज्य बनाना है, उसकी बाउंड्री इंक्रीज करनी है, नाम चेंज करना है,
तो ये सारी राम कहानियां जो होती हैं ये आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल 3 में देखने को मिल जाती हैं, अगर हम लोगों को कुछ ऐसा काम करना है। ठीक है, अभी बात करेंगे पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी जो है उसकी सिटी कैपिटल जो है वो भी आप लोगों को पुदुचेरी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी सदर्न इंडिया में आप लोगों को नजर आती है। यूनियन टेरिटरी जो थी फॉर्म की गई थी 1962 में, यहाँ पर ये फ्रेंच की कॉलोनी थी, ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखिएगा। पहले फ्रांस गवर्नमेंट के अंडर में यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, तो फ्रेंच की कॉलोनी थी, तो जिसको पोंडीचेरी आज के इसको पुदुचेरी बोलते हैं, पहले इसको पोंडीचेरी बोलते थे। पोंडीचेरी क्राइकल हो गया, ठीक है, यनम हो गया, मेह हो गया, और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे एरिया। ठीक है, सारे तो यहाँ पर ये मालाबार कोस्ट वाली साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, केरला की साइड में। तो मेह हो गया, पुदुचेरी हो गया, क्राइकल हो गया, और यहाँ पर यनम हो गया। तो इनके नाम याद रखिएगा, चार डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी के आज की डेट में अगर बात करें तो। पुदुचेरी की भी जिंदगी बेचारी की आसान नहीं थी, इसको भी कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। 1674 में यहाँ पर जो फ्रांस के जो ट्रेडर थे उनके द्वारा इसको परचेज किया गया, लोकल रूलर थे, ऐसा लगता है कि अपने घर की जायदाद होती है, बेच दिया उठाकर। ठीक है, तो उनके द्वारा बेच दिया गया यहाँ पर फ्रांस वालों को, फ्रांस वालों ने खरीद लिया। ठीक है, ऐसा नहीं से आप लोग मैप में जाकर देखोगे अलास्का को, तो अलास्का जो था रशिया के पास हुआ करता था, रशिया को लगा यार इसको बेच देते हैं थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, तो उन्होंने बेच दिया उसको उठाकर। तो ऐसे यहाँ पर इनके द्वारा बेच दिया गया यहाँ पर ये फ्रांस को। तो फ्रांस और डच के बीच में काफी लंबे समय से यहाँ पर जद्दोजहद चलती रही 17 सेंचुरी के अंदर में। ठीक है, कुछ टाइम इसके द्वारा ब्रिटिश के द्वारा भी इनके अंदर हत्तापाई की गई, पर लेकिन बाद तक यहाँ पर ये फ्रांस के अंदर ही रही, कॉलोनी इनकी रही। और बाद में 1962 में जब हम लोग को ये मिली वापसी, तो हम लोगों ने फ्रांस से इसको झपट्टा मार के छीना, उससे पहले यहाँ पर ये फ्रांस के पास में ही रही। पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब कुछ काम की मैं आप लोगों को स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बताता हूं, जो कि पॉलिटिकल चीजें भी आप लोगों की कवर करेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो 1949 में इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर यहां पर जब तैयार किया गया, तो राज्य जो थे उनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो पार्ट जो थे यहां पर फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थी, यानी कि जो पहले ब्रिटिश इंडिया जो कंट्रोल में हुआ करती थी, तो यहां पर गवर्नर जो लेजिस्लेचर हुआ करते थे। ठीक है, इसी के साथ में फॉरनर जो प्रिंसली स्टेट थे यहां पर उनको गवर्न किया जाता था राज प्रमुख की साइड से। ठीक है, चीफ कमिश्नर जो प्रोविंस हुआ करती थी प्रिंसली स्टेट जो थे यहाँ पर वो गवर्न किया जाते थे चीफ कमिश्नर की हद से। और इसी के साथ में टेरिटरी जो अंडमान निकोबार वाली ये हो गई यहाँ पर, तो ये गवर्नर की जाती थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की हद से। तो ये डिसाइड की गई। हालांकि आगे चलकर हमारे देश में कई सारे चेंज किए गए। रिस्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956 का, तो पार्ट सी और पार्ट डी जो थे यहाँ पर उनको कंबाइन कर दिया गया एक सिंगल कैटेगरी में, जिसको यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बोला गया। और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटी का ऐड किया गया 7th जो संविधान में अमेंडमेंट किया गया 1956 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेगा, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है हम लोगों ने 1956 में यहाँ पर ऐड की। पहले यूनियन टेरिटरी जैसा कोई शब्द यहाँ पर नहीं था, तो यूटी जो है वो बेसिकली यहाँ पर ऐड किया गया। ठीक है, कि ऐसा कोई एरिया हम लोग बना सकते हैं जो यूनियन की टेरिटरी होगा, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में होगा, ऐसा आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसके बेस पर अगर आपको ये आप लोगों से पूछ ले, तो जो यूटी है यहाँ पर ये फेडरल टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से इंडिपेंडेंट, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि टू स्मॉल टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि उनको अगर इंडिपेंडेंट रखना है तो बहुत छोटी है, वो खुद में वहां पर इलेक्शन कराएंगे तो फालतू में टाइम पैसा लगेगा, तो फाइनेंशियली भी वो ज्यादा अच्छी चीजें नहीं बोल सकते कि ऐसा पॉलिटिकली एस्टेब्लिशमेंट करना। तो उसको यहां पर अपने अंडर ले लेता है सेंटर। तो यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर चलता है, और वो किसके हेल्प से, मान लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा यहां पर, एक तरीके से बोल सकते हैं यहां पर प्रेसिडेंट के नाम का एक बंदा बैठेगा और वो काम को सारा देखेगा यहां पर। तो इसके चलते यहां पर पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली जो है उनके खुद के एक्सेप्शन यहां पर हो जाते हैं, कि उनके पास में खुद की पॉलिटिकल पावर है, तो इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि हमको स्टेट बना दो, क्यों वहां पर इलेक्शन होते हैं। तो ये बातें हैं। अगर बात करें इंडिया के अंदर आज के में 8 यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव एक हो गया, अभी मिलाकर मर्ज करके बनाया गया इनको, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख अलग अलग बनाई गई अभी यहाँ पर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, टोटल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 हमारे देश में आज के डेट में स्टेट है। तो ये यथास्थिति आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जल्दी जल्दी यहाँ पर आर्टिकल कवर करा देता हूँ, हालांकि कई बार पहले पढ़ा चुका हूँ, तो एक ओवरव्यू भी आप लोगों को मिल जाएगा। फिस्कल पॉलिसी और इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है जीएस पेपर 3 के अंदर में। जीएसटी कंपनसेशन के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, तो 1 जुलाई को हम लोगों ने जीएसटी डे सेलिब्रेट किया गया। 101वां संविधान में संशोधन किया गया, और हमारी कंट्री में जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, वो हो गया जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो टैक्स हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे नहीं करते हैं, यानी कि आप लोगों ने बिस्किट का कोई पैकेट खरीदा, आप लोगों ने कोई दूध का पैकेट खरीदा, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो डायरेक्ट चला गया गवर्नमेंट के पास में। आप लोगों ने ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाकर गवर्नमेंट को पे किया कि इनकम टैक्स वैसा भी ये लो अपनी झोली में डालो इसको, नहीं ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो पेंडेमिक के टाइम पर क्या हुआ अभी यहाँ पर, जैसे नॉर्मली 2017 में जब यहाँ पर जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, तो बोला यह गया कि 2022 तक जो भी कमी होगी यहाँ पर राज्य गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसे में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी। पर लेकिन अभी कोविड-19 ने किसी को पता तो था नहीं 2017 में कि 2019 में 20 में कोविड-19 आ जाएगा, तो 19 के एंड में और 20 के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर खतरे मंडराने लगे, तो यहाँ पर खस्ता हालत हो गई स्टेट की। तो उनको लगा यार स्टेट के अंदर ही होनी चाहिए टैक्स लगाने की पावर, गलती कर दी उन्हें, मेरे से गलती होगी, मेरे जबान फसल गई
तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जबान फंसे लगी, तो उनको कंपनसेशन देने की जो बात की जाती है ये बोल रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी लगभग 5 साल और हम लोगों को कंपनसेशन आप लोग दे दो। तो जीएसटी कंपनसेशन की जो बात की जा रही है तो यहाँ पर रिवेन्यू जो है उसमें अगर कोई कमी रह जाएगी तो बोला गया था आप लोग ही भरपाई करेंगे, ठीक है। तो जो न्यू टैक्स यहाँ पर टैक्स के अंदर बात करें तो कंजप्शन के ऊपर रहता है नोट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर बात की जाती है कि जहां पर आप लोग कंज्यूम करते हैं उस पर ये जीएसटी लगाया जाता है। तो जीएसटी जो है यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें तो प्रोडक्शन के टाइम पर तो आप लोग को देखने को मिलेगा, तो कंजप्शन के टाइम पर होगा, जहां जहां चीजें ज्यादा कंज्यूम की जाएगी वहां वहां आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कई सारे स्टेट जो है वो इसको यहाँ पर वो करते हैं कि यार हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर बनाया कहीं बेचा कहीं इसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी, तो इसके चलते उनको भरपाई करने की बात की गई थी। सेंट्रल ने प्रॉमिस किया दिक्कत मत करो हम लोग तुमको पैसा देंगे, पर लेकिन अभी यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 2022 तो गया अब 5 साल और ऐड कर दो, 2027 तक हम लोग को पैसा दो। सेंटर बोल कर रहा है, सेंटर कह रहा है कि नू तो ना मैं देने का हूं, मैंने थोड़ा ना प्रॉमिस किया था ऐसा कुछ करने का। तो अभी उसी के ऊपर यहाँ पर रसाकसी देखने को मिल रही है। पैसा यहाँ पर कहां से आते तो बोला गया था अगर रिवेन्यू का शॉर्ट फॉल जो है वो बिलो 14 आप लोगों को देखने को मिलेगा बेस ईयर 2015-16 के हिसाब से जितना वो कमा रहे थे राज्य गवर्नमेंट, तो 2022 तक आप लोगों को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसके चलते यहाँ पर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट लाया गया 2017 में कि स्टेट को कंपनसेशन देंगे और उसके लिए अलग से सेस लगाया जाएगा। सेस क्या होता है, ये टैक्स ऑन टैक्स लगा देते हैं, यानी कि जितना टैक्स कोई पे कर रहा है 100 रुपए उस पर 2 रुपए सेस लगा देगी कंपनसेशन करना है, तो अब यहाँ पर इंसान जो है 102 रुपए टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टेट को दिया जाएगा। तो कंपनसेशन का जो सेस फंड है यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, पर लेकिन फिर वो इसको स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है और ये जीएसटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, चलते हैं, सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की। तो जीएसटी क्या था, यहाँ पर 101वां संविधान में संशोधन किया गया 2016 में, ये बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था हमारी कंट्री में। हालांकि वन टैक्स वन जो बेसिकली नेशन वन टैक्स बोला गया था ऐसा कर नहीं पाए, वो एक अलग बात है। कई सारे जो वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया उसके अंदर इंक्लूड कर लिए गए और कंजप्शन टैक्स हो गया यहाँ पर, ये बेसिकली जहां पर कंज्यूम किया जाएगा फाइनल पॉइंट पर, ठीक है। इसी के साथ में हेल्प कर रहा है डबल टैक्स जो यहाँ पर चल रही थी, कास्केडिंग टैक्स की हो रही थी, मल्टीप्लिसिटी जो टैक्स की हो रही थी, यानी एक तरह सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिस्टम तैयार कर दिया। तो टैक्स स्ट्रक्चर सारी सुधरी गई यहाँ पर, ये सारी इसके अंदर कवर हो गई और इसी के साथ में यहाँ पर जीएसटी के चलते यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी बना दिया, यानी कि इस सेंटर और स्टेट के बीच में जो जीएसटी है, चार टैक्स स्ट्रक्चर हो गई, 5, 12, 18 और 28। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये थे सारे कंफ्यूजन, आप लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। अब कितने आर्टिकल कौन कौन से मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ पर एक तो आर्टिकल मैंने आप लोगों से यूनियन टेरिटरी वाला किया डिटेल में, पहला आर्टिकल यहाँ पर। इसी के साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बता दी कैसे कैसे संविधान का एंगल है, तो सारी चीजें बता दी, पहले राज्य क्या था, तो स्टेटिक पोर्शन भी आप लोगों का कवर हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने जीएसटी वाला देख लिया, तो जीएसटी वाला मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीजें बेसिक जीएसटी की भी मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हाँ ये चीजें थी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, तो बीइंग ए कंज्यूमर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा इसलिए, और क्या क्या डिफरेंस है हमारी कंट्री की आर्मी जो है वो क्या क्या कर रही है अपनी जो पावर बढ़ाने के लिए, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया। तो इसके चलते भी आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पेंगोलिन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की कि पेंगोलिन के बारे में क्या क्या चीजें हमारे देश में क्या क्या कंडीशन है, तो वो सारी हम लोगों ने समझी। साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि इसके साथ में कौन सा हाईएस्ट और कौन सा सेकंड हाईएस्ट, वो भी हम लोगों ने बातें की। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पोर्टल कौन सा है यहाँ पर कंज्यूमर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए कहाँ पर सेंटर बनाया गया, ये यहाँ पर कौन सा पार्क है जहां पर ये जियो टैगिंग की गई है पेंगोलिन की, अवार्ड कौन सा है या साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में पहला अवार्ड कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट को पावर देता है यहाँ पर बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है स्टेट की बाउंड्री वगैरह इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया, कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में पावर होनी चाहिए कि आज के दिन में जो नशीले पदार्थ वगैरह ना पहुंचे, ठीक है, अल्कोहल के बारे में बताया दिया। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट करना आप लोगों को। अगर बात करें यहाँ पर जो मिल्क सरप्लस के बारे में बात की जा रही है तो कब तक हो जाएगा, किसके द्वारा बोला गया, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसका ब्रेन चाइल्ड था, किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, ऑपरेशन कौन सा था जिसने व्हाइट रिवॉल्यूशन को आगे लेकर चला, ये बताना आप लोगों को। इसी के साथ में यहाँ पर बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन के बारे में कि मिल्क को अगर हम लोग बात करें तो इतना प्रोड्यूस होता है कि दो चीजों को अगर मिला दे वो भी इसके बराबर नहीं है, जो सबसे बड़ी जिनको हम लोग एमएसपी देते हैं, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो नेचुरल हैबिटेट के डिग्रेडेशन के और एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, अमेरिका के अंदर कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर जहां पर हम लोगों ने लिथियम के बारे में बात की थी, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की थी, अपना संविधान वो चेंज करें, लिथियम जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कहां कहां पर पाया जाता है ये आप लोगों को बताना था। इसी के साथ में यहाँ पर बात की थी चुक्की का माटा, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस करने वाला टाउन किस कंट्री के अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की थी, उसके द्वारा रिलीज किया गया ARIIA, तो फुल फॉर्म बतानी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर AICTE के द्वारा मिलकर काम किया गया, तो दोनों का नाम बताना था, ठीक है। आंसर देख लेते हैं,
क्या क्या आंसर है यहाँ पर। पहला नीति आयोग हो गया, इसके द्वारा बोला गया 2023 तक 33 तक हम लोग मिल्क सरप्लस होंगे। वर्गीस कुरियन साहब के द्वारा यहाँ पर व्हाइट रिवोल्यूशन लाया गया और ऑपरेशन फ्लड था, फिर आगे चलकर व्हाइट रिवोल्यूशन बन गया। वीट और जो राइस को और जो यहाँ पर चावल को मिला दे उससे भी ज्यादा यहाँ पर दूध से उत्पादन हमारे देश में होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है यहाँ पर, जो कि आप लोग से नेचुरल के बारे में बात करते हैं, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। चिली है ये कंट्री, इसके बारे में याद रखिएगा। चिली के अंदर लिथियम को लेकर काफी ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा लिथियम है, दूसरे नंबर पर चिली, और चिली की ही ये सिटी है जिसको बोलते हैं चुकीकामाटा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अटल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन के बारे में बात की थी मैंने आप लोगों से, तो ये याद रखिएगा। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर ये तैयार किया जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी हो तो बताएगा, उसको दूर किया जाएगा। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराता हूं SLVpedia के नाम से। तो मॉर्निंग में मिलता हूं, तैयार रहना 6 बजे अपनी चादर तानकर मिलता हूं, तब तक आप लोग एंजॉय करिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और लाइक और सपोर्ट कर दिया करो ताकि वीडियो जो है वो आगे सही तरीके से चलती रहे। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद।